हेलो एवरीवन वन मैंने मैं शरद आई एम सीईओ एंड एन को फाउंडर ऑफ कैटापोल्ड क्लासेस पास आउट ऑफ आईएफटी दिल्ली टी सिक्स टाइम्स नाइनटी प्लस परसेंट टाइलर यू आस्क वी आंसर कैटेगरी के अंदर हम लोग निशीत ने क्वेश्चन पूछा वो आंसर करने जा रहे हैं फटाफट देखते हैं क्वेश्चन बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन सोल्विंग हम लोग एक रिविजन बैच शुरू करने जा रहे हैं कैट ट्वेंटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैच है बहुत ही अच्छा बैच है नाम हमने रिविजन बैच दिया है बट अगर कोई स्टार्ट कर रहा है फ्रेश स्टार्ट कर रहा है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा बैच है रिविजन बैच इसलिए नाम दिया है हम लोगों ने बिकॉज हम लोग इसमें लिमिटेड सेट्स ऑफ चीज़ें करवाएंगे वो चीज़ें जो तुम्हारे कैट में आने वाली हैं लाइक like जिनके आने की प्रोबेबिलिटी नाइन्टीन प्लस है उन चीज़ों को हम लोग कराएंगे एक चीज़ की गारंटी मैं ले रहा हूँ कि इस रिविज़न बैच में जितना कुछ हम पढ़ाने वाले हैं उतना अगर किसी ने कर लिया तो नाइन्टी परसेंट ऑफ द पेपर वो आसानी से सॉल्व कर सकता है एंड आई टेक दिस गारंटी कि 95 परसेंट पेपर इसी क्वेश्चन से इन्हीं टॉपिक से आने वाला है इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आने वाला है जो 1200 हंड्रेड के क्वेश्चन होंगे इन्हीं से तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर फंसने वाला है इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ जो आर होंगी आर ऑब्वियसली अलग से आएंगी बट ये मैं कह सकता हूँ कि अगर ये टू हंड्रेड कर लोगे एंड जो हम रीडिंग आर्टिकल्स करवाएंगे वो करते रहोगे तो आर में अच्छा स्कोर कर सकते हो एंड इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व दीज 500 सेट्स 500 सेट्स क्योंकि टाइम कम रह गया सेट्स ज़्यादा हैं तो इसमें से भी हम लोग कुछ सेलेक्टेड 200 हंड्रेड सेट्स स्टूडेंट्स को बताएंगे अगर ये 200 हंड्रेड सेट्स कर लोगे तो डी आई एल आर सेक्शन में भी आराम से तीन सेट्स करके आ सकते हो दैट इज़ लाइक माई गारंटी टू ऑल ऑफ यू इंटर सीरीज़ वगैरह तो है ही है तो अगर किसी को इसके बारे में इन्फॉमेसन चाहिए अगर कोई चाहता है एनरोल करना या किसी को लग रहा है कि उसके लिए हेल्पफुल है या और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो और कोई ना कोई हमारी तरफ से बात कर लेगा इफ़ यू वॉन्ट टू एनरोल ओनली इन डी आई एल आर फाइव हंड्रेड इसकी प्राइस टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन है एंड सारे तरीके के सेट्स कवर होंगे अगर सिर्फ डी आई एल आर का इशू है तो इसको एनरोल कर लो अगर सिर्फ आर सी का इशू है तो इसमें एनरोल कर लो यह अभी हमने शुरू नहीं किया है हो सकता है कि आज हम पहला डे वन वीडियो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दें एंड इसकी प्राइस नाइन नाइनटी नाइन है बट बेस्ट ये रहेगा कि आप रिविजन बैच में आ जाओ उसमें आपको सब कुछ मिल रहा है अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं इफ़ इन दर नाइनटीन फोर्टी एट रोनक्स एज एज वेल एज इज ग्रैंड फादर्स एज इक्वल टू द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ देर रिस्पेक्टिव ईयर्स ऑफ बर्थ ईयर ऑफ बर्थ ऑफ ईच पर्सन टेकन एज अ फोर डिजिट नंबर वॉट वॉज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस तो नाइनटीन फोर्टी एट में देख रहे हो नाइनटीन फोर्टी एट माइनस जिस भी ईयर में आप पैदा हुए हो तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप नाइनटीन फोर्टी सिक्स में पैदा हुए हो तो नाइनटीन फोर्टी एट माइनस नाइनटीन फोर्टी सिक्स दैट इज आपकी एज कितनी हो गई टू ईयर हो गई तो ऐसे ही हम एज निकालते हैं मान लेते हैं कि हम एक्स ईयर में पैदा हुए तो क्योंकि इस एक्स इज अ फोर डिजिट नंबर और जो ये डिफरेंस है वो एक्स के लास्ट टू डिजिट के नंबर के बराबर है तो हम एक्स ना लिख के हम इसको लिख लेते हैं नाइनटीन हंड्रेड प्लस एक्स अगर मान लो नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स है तो नाइनटीन हंड्रेड प्लस ट्वेंटी थर्टी सिक्स है तो नाइनटीन हंड्रेड प्लस थर्टी सिक्स एंड सो ऑन और ये किसके बराबर हो जाएगा एक्स के बराबर हो जाएगा अब ऐसे दो लोगों की बात हो रही है रौनक एंड हिज ग्रैंड तो इसका मतलब कि ये चीज अगर हम एक्स की जगह वाई भी कर दें दोनों जगह तो भी आंसर सेम आएगा जेड कर दें तो भी आंसर सेम आएगा बट हमको दो डिफरेंट आंसर चाहिए इसका मतलब हमें इनमें से किसी को चेंज करना होगा ये तो फिक्स्ड है इसको चेंज नहीं कर सकते हो तो चेंज करने के लिए सिर्फ ये है तो इसका मतलब दूसरी इक्वेशन जो हम बनाएंगे वो हम क्या कर लेंगे एटीन हंड्रेड प्लस एक्स कर लेंगे मान लेते हैं कि ग्रैंड की जो एज है वो एट्टीन समथिंग है और जो रौनक की एज है वो नाइनटीन समथिंग है सो दिस लेट्स से इट इज़ वाई दिस इज इक्वल टू वाई अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई फटाफट सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 48 एट इक्वल्स टू टू एक्स दैट गिव एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 100 प्लस फोर्टी एट इक्ल्स टू टू वाई दैट इज वाई इक्वल्स टू फिफ्टी प्लस ट्वेंटी अब पूछा क्या है डिफरेंस बिटवीन देअर एजेस अगर y माइनस एक्स करोगे y ये है x ये है तो क्या मिलेगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू फिफ्टी सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 50. यहां पे ये डाउट अगर किसी को हो रहा है कि अगर हम इसकी जगह 1700 ले, ले लें तो तो अगर हम 1700 ले, ले लेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस होगा वो 248 होगा विच इज अ टू विच इज अ थ्री डिजिट नंबर नॉट अ टू डिजिट नंबर तो इसलिए हम 1800 के नीचे नहीं ही जा सकते हैं तो मेक्स एकदम सिंपल और सिंगल आंसर है विच इज़ फिफ्टी अगर समझ में आया है और इफ़ यू लाइक इट लाइक आर एफर्ट्स जो हम लोग यू आस्क वी आंसर के अंदर कर रहे हैं जो भी क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं और जितना हमारे पास टाइम अवेलेबल हो रहा है वे आर ट्राइंग टू क्रिएट वीडियो सोल्यूशन ऑफ ऑल दोज क्वेश्चन सो प्लीज़ लाइक द वीडियो कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड शेयर अबाउट आर प्रोडक्ट्स वीडियोज टू ऑल योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल अगर किसी तरीके का कोई इशू है तो मेल कर सकते हो कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो एंड यू कैन ऑलसो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट द रेट शरद डॉट आई एफ टी दट्स गाइज कीप आस्किंग कीप लर्निंग एंड एन्जॉय डे